प्यारे बच्चों इस वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा याद करा दूंगा कि फिर कभी नहीं भूलोगे चलो फिर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में चार ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हार्ट आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज। ये चारों मिलकर ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं सबसे पहले हार्ट को समझते हैं हार्ट चार चैंबर्स में डिवाइडेड होता है ऊपर वाले दो चैंबर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले दो चैंबर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं हार्ट की राइट right साइड वाले एट्रिया को राइट right एट्रियम कहते हैं और वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल कहते हैं सिमिलरली हार्ट की लेफ्ट साइड वाले एट्रिया एंड वेंट्रिकल को लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हार्ट की राइट साइड आपके डायग्राम में लेफ्ट साइड में आएगा और हार्ट की लेफ्ट साइड आपके डायग्राम में राइट right साइड में शो करना होगा ब्लड सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज है बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना ऑक्सीजन लंग्स में फिल्टर होकर ब्लड में मिक्स होती है और न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं लंग्स से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड पल्मनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व होता है जब वॉल्व ओपन होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है थ्रू मेन आर्ट्री एटा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एयरटा के बीच भी एक वॉल्व होता है एयरटा आर्टरी फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड होती जाती है और बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड सप्लाई करती है एयरटा स्टार्टिंग में हार्ट के पास बहुत ब्रॉड होती हैं और जैसे जैसे हार्ट से दूर जाती हैं नैरो होती जाती हैं। क्लोज टू बॉडी टिश्यू ये आर्टरीज कैपिलरीज के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती हैं जो बहुत थिन होती हैं जस्ट वन सेल थे सबसे छोटी ये ही ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज के दूसरी तरफ वेन्स कनेक्टेड रहती हैं बॉडी टिश्यूज कैपिलरीज के थिन वॉल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्व कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं यह ब्लड जिससे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ले ली गई है और सीओ टू एंड वेस्ट मिक्स हो गया है इसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं जो अब कैपिलरी से वेन्स में चला जाता है वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड सेल होते हैं जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में राइट right एट्रियम में एंटर करता है थ्रू मेन वेन जिसे वेना कैवा कहते हैं एंटर करने से पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्व करता हुआ आता है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल होती है राइट right एट्रियम में आया ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मनरी आर्टरी के बीच भी एक वॉल होता है यहाँ से हार्ट इस ब्लड को पंप आउट कर देता है लंग्स में थ्रू पल्मनरी आर्टरी टू अगेन गेट द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सीओ टू फाइनली बच्चों अगेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में एंटर करता है तो इस तरह बच्चों ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है ऊपर वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से हार्ट में वापस आता है उसे पल्मनरी सर्कुलेशन कहते हैं और नीचे वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी से हार्ट में वापस आ जाता है उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं तो इस तरह हर ब्लड सर्कुलेशन साइकिल में बच्चों ब्लड दो बार हार्ट के थ्रू जाता है अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखनी है सबसे पहली आर्टरीज की वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है क्योंकि ये हार्ट से निकला हाई प्रेशर वाला ब्लड सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है वहीं वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि वेन्स में ब्लड हाई प्रेशर में नहीं होता वेन्स में इनफैक्ट वॉल्स होती हैं टू एंश्योर कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे वेन्स ब्लड को सभी बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आती है बच्चों इस तरह हमने आज इस वीडियो में समझा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है एंड आई होप अब आप इसके इम्पोर्टेंट बातों को भूलेंगे नहीं ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो